बच्चों हिंदी की क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप देख रहे हैं नवरंग सरल हिंदी। ये पुस्तक आप निकाल लेंगे और हम लोग पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 नकलची बंदर आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक कहानी को दर्शाया गया है। क्या है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। एक टोपी वाला था, वह टोपियाँ बेचने जा रहा था। धूप में चलते चलते वह थक गया। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे। बंदरों ने देखा टोपी वाले के सिर पर टोपी है और उसके थैले में भी टोपियां हैं। बंदर पेड़ से नीचे आए, उन्होंने थैले से टोपियां निकाली। सबने एक एक टोपी पहन ली। थोड़ी देर में टोपी वाला जागा। उसने देखा उसके थैले में टोपियां नहीं हैं। अरे, मेरी टोपियां कहाँ गई? वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसने ऊपर देखा, पेड़ पर बंदर टोपियां पहने बैठे थे। वह बंदरों को लाठी से डराने लगा। बंदर भी खों खों करके उसे डराने लगे। तंग आकर उसने अपनी टोपी सिर से उतार कर नीचे फेंक दी। बोला, लो यह भी ले लो। लेकिन यह क्या? बंदरों ने भी टोपी वाले की नकल की। उन्होंने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाला खुश हो गया। उसने सब टोपियां थैले में रखी और वहां से चला गया। तो बच्चों, आपने देखा एक टोपी वाले और बंदर की कहानियाँ इस पुस्तक में दर्शाई गई है। किस तरह से बंदरों ने नकल की और सारी टोपियाँ उस टोपी वाले को मिल गया। ठीक है बच्चों, आप सबने इस कहानी को समझ लिया है। आगे के क्लास में है और कुछ पढ़ेंगे। धन्यवाद।